बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है। किस पर बिजलियाँ गिरा रही है? खूब मजे कर रही है हाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड जो है यहाँ पर, ओ, अच्छा? उसके साथ फुल मस्ती हो रही है, उसने तुझे बताया नहीं? चल झूठी। अच्छा बाय द वे, तेरे ऑफिस वाले क्रश का क्या हुआ? उसके साथ तेरी दाल गली है नहीं? वहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है यार, मुझे देखते ही उसकी हवा निकल जाती है। समझ नहीं आता वो क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा। तो तू उसे प्रपोज कर दे। कोई फायदा नहीं यार, जब देखो नेगेटिव बातें करती है। अच्छा सुन, कबर्ड में ना एक रेड कलर का टॉप है, वो बहुत लकी है। आज ऑफिस वही पहनकर जाना, तेरी लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी लगेगी कैसे? मुझ पर भरोसा है। मेरी बात मानेगी तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी। हेलो रचना, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? असल में मैं अभी से अपने बच्चों के नाम सोचने लगी थी। अरे वाह, तू तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। तू सच में बहुत चालू है। अच्छा मुझे अपडेट देती रहना। ओके बाय। और सुन, रेड टॉप पहनना मत भूलना। बाय। भाई साहब, आपने नंबर नोट किए? ये लो। वाह रचना, महारानिया जल्दी कैसे आ गई? आज कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है क्या? ये अच्छा नहीं लग रहा। Idiots. हेलो। हेलो, बोलिए। जल्दी से ये वाला नंबर नोट करो। जी हाँ बोलिए। TS21 CD 7785 लिख लिया मैं। ये एड्रेस कब तक दोगे? आपको एड्रेस कब तक चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। मैडम मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। ठीक है, फोन रखता हूँ। बाय। ओके बाय। हाय, बिजी हो? हे हाय, नहीं नहीं आओ ना, कुर्सी खाली अब। और बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चल नहीं रहा, रिंग रहा है, वही चोरी चकारी मर्डर। वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है। अरे हाँ याद आया, तुमने वो मटेरियल मंगवाया था, एक मिनट, यहीं कहीं था। अरे मैंने यहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तुम्हें बाद में देता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा बताओ तुम्हें मेरे आर्टिकल्स में से कुछ मिला कि नहीं? आई मीन ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश, और इनसे मुझे काफी मदद मिली है। क्या बात है, सोचा नहीं था किसी लड़की को इन आर्टिकल्स में इंटरेस्ट होगा। आदित्य,
एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था। अच्छा बताओ क्या है। पिछले कई दिनों से आरकेपुरम फ्लाईओवर पर काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है? एक्चुअली मैं हर रोज आरकेपुरम फ्लाईओवर से ही जाता हूँ। ओह, पर तुम रिकॉर्ड्स का करोगी क्या? उस फ्लाईओवर के ऊपर मैं एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं डेटाबेस से डिटेल्स निकाल कर रखता हूँ। अगर मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा ना? चलेगा। ठीक है, ओके मिलते हैं। ठीक है, बाय। रचना, ये कहां चली? रचना, रचना, अरे रुको, क्या हुआ? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारा फोन, तुम भूल गई थी अंदर। आई एम रियली सॉरी यार, कहीं भी रखने से भूल जाती हूँ। बादाम खाया करो। सॉरी तुम्हें तकलीफ हुई। अच्छा फ्री हो तो कॉफी पीने चले? हाँ मैं चलता, पर मुझे आर्टिकल पूरा करना है। हाँ ऑफ कोर्स यार, काम पहले है। सॉरी। ओके सिया। या इसे हो क्या गया है? हेलो, डिटेल्स लिखिए, नाम सुंदर, गाड़ी मोटरसाइकिल और उनका फ्लैट नंबर। वन सेकंड बताओ टाइम क्या हुआ है? 11:30 मैडम। सुंदर का फ्लैट कहाँ पर है? है? पहले सीधा जाने का, पछी गार्डन आएगा, फिर खाने वाले हाथ की तरफ मुड़ जाओ। नेक्स्ट टाइम तेलुगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सबटाइटल नहीं देखना पड़ेगा। सबटाइटल के चक्कर में पूरी मूवी ऊपर से चली गई। अगर मेरे पास तकिया होता तो मैं वहीं सो जाती। इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती हैं। लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं। पता नहीं इससे क्या मतलब? मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत पिशाच आत्माएं, अब कौन जाने वो होती भी हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से तो होती हैं। जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिसे हम भूत आत्मा या पिशाच के नाम से जानते हैं। अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी इसमें। इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है? नहीं, मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ। आदित्य उधर देखो। कहाँ देखूं? व्हाइट साड़ी में एक औरत, उसके बाल खुले हुए हैं, उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी है, वो सामने से आ रही है। हाँ हाँ देखी, क्या खूबसूरत है यार।
तुम जरा उतर जाओ, मैं उसे ले जाता हूँ। आदित्य, तुम भी बाकी लड़कों की तरह चांस मार रहे हो ना? क्या मतलब? लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक मारना शुरू ताकि लड़की और करीब आ जाए। हेलो, बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है, और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है। विरासत में मेरी क्या, है। क्या 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 मूवी के लिए थैंक्स, आई हैड अ रियली बोरिंग टाइम। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। क्यों नहीं? मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नहा धोकर सज धज के आई हो ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोज नहाती नहीं हूँ? हाँ, एक्चुअली तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो रचना। मतलब तुम मुझे रोज ध्यान से देखते हो। अब क्या करूँ मैडम, पेशा ही ऐसा है, क्राइम रिपोर्टर जो हूँ। इसका मतलब तुम दूसरों को भी ताड़ते रहते हो? हाँ, नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं जिसे देखकर सुकून मिले। अच्छा, फ्लर्टिंग पे ब्रेक लगाते हैं, कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। यहाँ पर आइए। यहाँ पे ए विंग में B2 फ्लैट कहाँ पे है? वो मेरा फ्लैट है। ओ, जरा दो मिनट रुकिए। सर, हाँ। हम जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो यही लड़की है। रचना, तुम्हारा ही नाम है? मैं ही रचना हूँ, बात क्या है सर? एक घंटे पहले तुम्हारे फोन पे फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? अच्छा, वो आपका कॉल था। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं सिनेमा हॉल में थी। सिनेमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया कौन था वो? सर, हुआ क्या है, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पूछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? सॉरी, मैं जवाब नहीं दूंगी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, पुलिस स्टेशन में समझाता हूँ। लेकिन सर, मैं आप लोगों के साथ क्यों आऊँ? आप रॉन्ग एड्रेस पर आए, प्लीज चेक कीजिए। हम रॉन्ग एड्रेस पर आए हैं? हाँ, ये तुम्हारा ही नंबर है ना? हाँ, मेरा है। चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना लोग अपने फोन पे वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देंगे। वो चलेगा तुम्हें? बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे। बैठो, चलिए चलिए, गाड़ी में बैठाइए। yes, सर, ए चल चल चल, अंदर बैठ, चल सर, गाड़ी में बंद, चल बैठ। तुम्ही सर, बोला ना आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे पता चलेगा। सर, ये रचना है, एंट्री गेट पर इसी के साइन थे। आखिर ये सब क्या चल रहा है सर? मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है सर? सुंदर से मिलने आज छोकरी आई थी। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिए, क्या आपके हस्बैंड का कोई अफेयर था? अगर था तो बताइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? इस लड़की को पहले कभी देखा है? जानती है इसे? ध्यान से देख के बताइए। नहीं सर। ये लड़की दोपहर को आपके घर पर गई थी, और हम नहीं जानते क्यों। कौन हो तुम और क्यों गई थी मेरे घर पर? ये कौन है सर? आखिर ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपका मतलब है कि उनका इस लड़की के साथ अफेयर है? देखिए, रोइए मत, अब आप घर जा सकती हैं। सुबह तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमला, किसी को भेज के इन्हें घर तक छुड़वा दो। ठीक है सर। प्रभाकर, आइए, इसे अंदर बैठाओ। आइए, आओ, चलो। खुद को संभालिए। अंदर आओ। नहीं नहीं, उधर नहीं, यहाँ बैठो। प्रभाकर सर, कौन है ये? वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है सर। ओ सर, क्या कर रहे हो तुम? केस की फाइल तैयार कर रहा था। अभी छोड़ो इसको, मेरे साथ आओ। लेकिन सर,
सर, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जो पूछूं उसका सही सही जवाब दो। सुंदर क्या क्यों गई थी? कौन सुंदर सर? प्रभाकर रजिस्टर दो। ये नाम और फोन नंबर तुम्हारा ही है ना? जी हाँ सर। दोपहर 11:30 बजे तुम वहाँ क्यों गई थी? सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हमसे ही सवाल पूछ रही हो? ज्यादा भोली मत बनो, जरा फोटो देना। देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुँचे तो वो इस हालत में था। अब बताओ क्यों मारा तुमने इसे? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसके घर गई थी, मैंने डोरबेल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आ गई, दैट्स इट। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा? सर मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर आर के पुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसका कर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सब से सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, दैट्स इट सर। सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे इसलिए तुम उसका इंटरव्यू लेने गई थी, यही ना? यस सर। सुंदर ने ही वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, ये तुम्हें कैसे पता? उस फ्लाईओवर पर एक बौना भिखारी भीख मांगता है, जो लोग वो डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाकर यू टर्न लेते हैं वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोट करता और मुझे दे देता है। सुंदर का नंबर भी उसी ने दिया था। ऐसी कहानी सुनाओ जिस पर हमें यकीन हो सके। हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बचकानी कहानियों से पहल जाएंगे। ये बचकानी नहीं है सर। बचकानी नहीं तो और क्या है? चलो मान लेते हैं कि सुंदर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे तो इसलिए तुम उसे मार दोगी, मजाक है क्या? सर मैं तो उसके घर उसका इंटरव्यू लेने गई थी, बताया ना आपको। डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलंपिक गेम है जो इंटरव्यू लेना था? सर बीच सड़क पर गाड़ी रोककर अपनी सहूलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटाकर किसी को मरने के लिए छोड़ देना, ये सही है? ऐसे लोगों की क्या सोच होती होगी सर? सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। हेलो सर, उसी केस की पूछताछ चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कार्रवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी सर मैं समझ रहा हूँ। और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक का समय दीजिए। हाँ ठीक है, ले लो, पर इस मुसीबत से पीछा छुड़ाओ। हम कुछ करते हैं। सर नायक मेरे साथ आओ। यस सर। सर प्लीज। काशी गाड़ी बाहर निकालो। गाड़ी निकालो। कुमार मेरा बैग लेके आओ। लाया सर। नायक। जी सर। काफी देर हो गई है और बारिश भी रुक नहीं रही है, इसलिए उस लड़की को फौरन रिमांड होम भेज दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फिर आगे पूछताछ करेंगे। रिमांड होम क्यों सर, उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते, लेकिन मरने वाला सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और वही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था, इसलिए हर कोई हमारे ऊपर डंडा कर रहा है। प्रभाकर सर एक काम करो, तुम जरा उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो। ठीक है सर। और सुंदर के कॉल डेटा भी निकाल लो। ऑलराइट। और हाँ, मुझे सब मॉर्निंग में रेडी चाहिए। आई विल डू इट सर। ये मेरे घर वालों ने मुझे अलग परेशान कर रखा है। डोंट वरी सर, मैं संभाल लूंगा। आइए। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ, यहाँ खाली नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं तो यहाँ खाली बैठा हूँ ना, मुझे भी साथ में ले लो सर। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नायक सर, उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लग रहा है कि वो सच कह रही है सर। जब वो सुंदर के घर पहुंची उसी वक्त उसकी मौत हुई, ये भी तो हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक है या नहीं यही तो खोजना है, पर जो भी हो ये केस सीआईडी में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यस मिनिस्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। ठीक okay. उसे रिमांड होम में शिफ्ट करो, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट सर। सुनो कमला। जी सर।
रिमांड होम में फोन करो और कहो कि पेपर तैयार करें, ये रात को वहीं रहेंगे। सर इस वक्त मुझे रिमांड होम क्यों भेज रहे हैं? सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुप कर। कमला आप जाइए। सर इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। हाँ मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता, जैसा कहा है कीजिए। ठीक है सर। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरी बात का यकीन कीजिए। बैठिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहाँ रोक नहीं सकते। अगर मुझे उसे मारना ही होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रजिस्टर में क्यों लिख के आती सर? देखिए सबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है, अच्छा होगा कि आप कोऑपरेट करें। सर जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। सर मेरे पास सिर्फ सुंदर का ही नहीं, 10 और लोगों के एड्रेसेस भी लिखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उन सारे लोगों के एड्रेसेस जिन्होंने यू टर्न लिया था। ये सारे नंबर मुझे उसी बौने भिखारी ने दिए थे। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उन 10 का खून करती, सिर्फ सुंदर को ही क्यों मारती? कम से कम आप तो समझिए सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुंदर को नहीं मारा है। वेट वेट वेट, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस फ्लाइवर पर एक भिखारी भी था, वो कौन है और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ वो वहीं पर होता है। वहाँ से यू टर्न लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार 100 रुपए देती हूँ सर, बस इतनी सी ही बात है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे नहीं दिए? जी सर। तुमने सबका इंटरव्यू लिया? नहीं सर, सबसे पहले मैं सुंदर के पास ही गई थी। सुंदर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का एड्रेस लास्ट मंथ की डेट पर लिखा हुआ है। आई मीन वाई सुंदर, राजेश का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला बताइए। असल में लास्ट मंथ में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी, उसी भाग दौड़ के चक्कर में मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया, बस इसीलिए। उस फ्लावर पर जो भिखारी है क्या उसे मिलवा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, वो वही फ्लावर के किनारे भीख मांगता है सर। ओके आप यहीं रुकिए, जल्दी मंगवा लो, बट प्लीज मेक इट ओके सर। प्रभाकर सर एक काम करो, रचना के साथ फौरन आरके पूरम फ्लावर जाओ, वो वहाँ तुम्हें किसी से मिलवाएगी, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। सर बारिश बहुत तेज हो रही है, सर ने जैसा बोला था वैसे रिमांड होम ले जाते ना उसे? प्रभाकर जानते हो ना रिमांड होम में क्या होता है, बेचारी परेशान है, लेट्स हेल्प हर, टाइम नहीं है, जल्दी करो। ओके सर। नारायण चलो गाड़ी निकालो। ठीक है सर। चलो बैठो। AP05EA2162 देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो रजिस्टर नहीं है? मुझे पता है कि आपको ऑफिशियल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? थैंक यू सर। हाँ कहाँ है वो? वो वहाँ है सर। काशी जाओ देखो जरा। यहाँ तो कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा। तो रोज मुझे यहीं मिलता था सर। उसका टैब बुक पेज चेक करता हूँ, शायद रचना के बारे में कुछ पता चल सके। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो सर हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। आसपास अच्छी तरह चेक करो, वो वहीं कहीं होगा। ओके सर। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी भेजो।
वहां जाके बैठो। कमला क्या हुआ? सर वो मिला वहां? मिल गया सर, ये देखिए, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प की थी। रचना, इसी ने तुम्हें नंबर दिए थे? जी सर। प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। रचना, ए, तुम इसके साथ जाओ। बताइए क्या पता चला? सर मेरी ड्यूटी डॉक्टर से बात हुई। अच्छा। उसने बताया कि सुंदर की बॉडी पर खरोच के निशान नहीं है और ना ही किसी चोट के। और उसकी मौत कितने बजे हुई थी? उनके हिसाब से सुंदर की मौत का टाइम आधी रात के 2 बजे का है, पर वो भी कंफर्म नहीं है। 2 AM ओके शक्ति, यू मे गो। थैंक यू। ओके सर। शक्ति एक कॉफी पिला दो। लाता हूं सर। सर हमने बिल्डिंग के CCTV कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया और सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी। इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहां पहुंचने के बीच तकरीबन 10 घंटे का फर्क है। हाँ करेक्ट सर। क्या लगता है कोई कनेक्शंस? सर मैं भी वही सोच रहा था, सुंदर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामो निशान मिला है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है। कैसी फालतू कहानी है सर। एक आदमी वहां से यू टर्न लेता है और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नंबर नोट करता है और ये लड़की उस आदमी से जाके नंबर लेती है। ये यंगस्टर्स आजकल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं। सर हाँ आ जाओ। जिन गाड़ियों के नंबर्स आपने मुझे दिए थे मैंने उनके डिटेल्स निकाल लिए हैं सर। प्रभाकर ये चेक करो। तुम्हें 10 गाड़ियों के नंबर दिए थे? सर, तुमने ये नंबर किसी और को दिए? नहीं नहीं सर। तो इन सारे नंबरों का एड्रेस तुम्हें देने वाला है कौन? सर, मेरा एक फ्रेंड है जो RTO में काम करता है। मैं उसे गाड़ी के नंबर देती हूँ और वो मुझे एड्रेस निकाल के देता है, बस इतना ही सर। अब क्या हो गया सर? तुम्हारी डायरी में जिन 10 लोगों के नंबर लिखे हैं वो लोग मर चुके हैं, सबके सब। उन सब ने आत्महत्या की है ये रिपोर्ट कहती है। रचना तुम कुछ छुपा रही हो, अगर झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। इन एड्रेसेस और नंबर्स के अलावा मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज बिलीव मी सर। तुमने एड्रेस पर डेट क्यों लिखी? ये डेट्स उस दिन के है जब उन्होंने ब्लॉक्स खिसकाए और यू टर्न लिया, ये वही डेट्स है सर। तुम्हारी डायरी की डेट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की डेट्स, उनकी सुसाइड करने की डेट्स, सब के सब एक ही हैं। How do you explain this? तुम डायरी में जो भी डेट लिखती हो उस दिन उनकी मौत हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है सर, शायद गूंगा है। मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब क्या करें सर? उसके अलावा और कोई सुराग नहीं है। सर उसकी पॉकेट से ये नोटपैड मिला है जिस पर कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हैं। ये नंबर किसका है? मैं नहीं जानती। रचना ठीक से देखो और हमें बताओ। हो सकता है ये नंबर उसका हो जिसने आज ब्लॉक्स खिसकाए हो और मुझे देने के लिए उस भिखारी ने ये नंबर नोट किया होगा कि अगले दिन जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो वो मुझे दे देगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें कल देता तो डायरी में डेट लिखती? हाँ सर। कौन सी डेट लिखती? आज की डेट लिखती। जिस आदमी का पता आपने मांगा था वो पीछे की बिल्डिंग में ही रहता है। गाड़ी निकालो। ओके सर। प्रभाकर चला गया? हाँ सर, वो तो कब के चले गए। कु
कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। यहाँ पे मलिक कौन है? सर वो रहे। थैंक यू मलिक। यस सर बोलिए। नायक सर ने तुमसे मिलने को कहा था। उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, कैसी जानकारी चाहिए आपको? मलिक वो जो आरकेपुरम फ्लाईओवर है ना, वहां से इस गाड़ी ने यूटर्न मारा था, इसके बारे में पता करो ना। श्योर सर, मैं चेक करके बताता हूँ। आप बैठिए। थैंक्स। रचना आइए सर। फ्लैट नंबर 1504 सर। यही है वो फ्लैट सर। क्या कर रहे हो? बेल इस तरह बजाते हैं क्या? नेम प्लेट तो देखो। सॉरी सर, देखा नहीं। काय काम है तुमसे? क्या आपका इनाम शरद कुमार है? कौन है, कौन घंटी बजा रहा है? बच्चा सो रहा था और उसे जगा दिया। अकल घुटने में है क्या? अब कौन चुप कराएगा उस बच्चे को? नीचे तुम्हारी गाड़ी है, TS21BC2120। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बात क्या है? वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं? हाँ मेरी है। तो क्या हुआ? इस लड़की को कभी देखा? कौन है ये? रचना तुमने इसे देखा कभी? नहीं सर। आरकेपुरम फ्लाईओवर पर तुमने यूटर्न लिया था? हाँ तो मुझे अरेस्ट करने आया, इसने कंप्लेंट की। वारंट है क्या? काई झाला? काही प्रॉब्लम है का? अरे कुछ नहीं, आप जाओ अंदर जाके सो जाओ। जाओ ना। ठीक। घर में और कौन कौन है? इससे तेरे को क्या मतलब? कंप्लेंट है क्या, वारंट है क्या? हेलो मैं लॉयर हूँ, कोई आरा गहरा नहीं, कानून अच्छी तरह से जानता हूँ। पेपर है तेरे पास? ड्यूटी पर। हेलो सुनाई नहीं देता क्या? अंदर का घुसे जा रहा है। हेलो सर्च वारंट है क्या? कोर्ट में फंसेगा तू। समझा इसको, इसको बोल के बाहर आए। सुनाई नहीं देता क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हेलो अरे बाहर निकल, वहाँ मेरी बीवी है। I'm sorry. हेलो वहाँ क्या देख रहा है? बाहर निकल वहां से। कुछ भी नहीं मिला ना? हाँ पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन कर देना, पर फिलहाल अपना दरवाजा बंद रखना कम रचना। हाँ आता हूँ, सुबह होते ही आ जाऊंगा। डरता नहीं हूँ तुझसे, अब तुझे कोर्ट में मालूम पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा सुनो रमेश। यस सर। एक काम करो, तुम सुबह तक यहीं रुको। सर यहाँ पे रुकना है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कुछ गड़बड़ हो तो फोन करना। ओके सर। चलो रचना। ए उसे चुप करा, सुना नहीं क्या? आगे बैठ जाओ। पुलिस की नौकरी क्या कर ली, इन सबके गुलाम बन गए। छे हेलो। उस नंबर की गाड़ी ने वहां से यू टर्न लिया था सर, फ्लाईओवर के कैमरास में साफ नजर आ रहा है। क्या वो वकील है? पता नहीं सर, उसके काले कोट को देखकर लगता तो है। हाँ, उस डायरी के सारे नंबर्स को भी चेक करना।
हम लोग चेक कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप में। बिल्कुल सर। थैंक्स मलिक। चलो ये बाकी नंबर्स भी चेक करते हैं। रचना, इसी लॉयर ने यू टर्न लिया था, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, इसीलिए उस बोने ने इसकी गाड़ी का नंबर नोट किया था। अजीब बात है, यू टर्न का सुंदर की डेथ और बाकी सारे मौतों से कोई न कोई कनेक्शन तो है। रचना, कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो, याद करने की कोशिश करो, उसे हमें काफी मदद मिलेगी। सर, मैंने आपको सब बता दिया है। बाहर मत निकलो। ऐसा नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं तो मिनिस्टर साहब के केस में ही बिजी था, तब तक ये हो गया। हाँ सर, हालात बहुत उलझे हुए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिरकर मरा था, उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुंचे हैं। सर, किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दीजिए प्लीज, मेरे लिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या कर दिया? मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर। उस लड़की को रिमांड होम भेजने के लिए कहा था। हाँ सर, पर इस केस से उसका, तुम्हारी वजह से मुझे कमिश्नर और प्रेस के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सर, सुंदर की गाड़ियों के अलावा उसके पास 10 और गाड़ियों का नंबर था। मैंने जो ऑर्डर्स दिए थे उसका इससे क्या कनेक्शन है? सर ये देखिए सर, उन सभी लोगों ने जिन्होंने यू टर्न लिया था, वो सब के सब मारे गए सर। ये कैसे हो सकता है नायक? सच कह रहा हूँ सर, हर केस आत्महत्या मान के बंद कर दिया गया। तो फिर सर, आई थिंक हमें इस केस की तह तक जाना होगा। तुम्हारे हिसाब से ये काम इसी लड़की का है? सवाल ही नहीं है सर, सारी रात वो लड़की हमारे साथ थी, उसका इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है सर, वो बेकसूर है सर। ये देखो, सुंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्लियर सुसाइड। सर कुछ तो गड़बड़ है सर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन दीजिए सर। बिल्कुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुंदर का केस क्लोज करो बस, और फिर दूसरे केसेस हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ उसे। अच्छा, वो लड़की कहाँ है? इंटरोगेशन रूम में है सर। आओ। रचना, कम। हमने तुम्हारे आरटीओ के फ्रेंड से पूछताछ की थी, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तुमने सही कहा था, सुंदर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है। तुम जा सकती हो, यू फ्री टू गो नाउ। इन गाड़ियों के नंबर और पते किसी को भी मत बताना, वरना तुम फंस जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं, इन चीजों को यहीं छोड़ दो। डू यू अंडरस्टैंड? नायक सर, जाओ उसे घर छोड़ा। हेलो, नमस्कार सर। यस सर। हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है सर, सुसाइड की वजह से केस क्लोज कर रहे हैं। हाँ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजिए सर, उसका अकाउंट बचा हुआ है। ओके ओके सर, थैंक यू। रचना, तुम्हारा घर आ गया। सॉरी सर। तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो। सर,
सर, हा? आपको मुझ पर यकीन है ना? आई ट्रस्ट यू रचना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा। थैंक यू। सर, आपको हम तीनों का गुड मॉर्निंग। सर, वो संता, ये बनता और मैं जनता। आपने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? वो रिपोर्ट तो हमने ही तैयार की है सर जी। मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सुसाइड की ही है तो... सर, हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं, परंतु ये हत्या है या आत्महत्या ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं सर। मैं इन केसेस में कोई कॉमन बात ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि मौत का वक्त या कोई हथियार, कोई ऐसा घाव जो एक जैसा हो, कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो। तो जी, जितने केस मैंने हैंडल किए हैं ना, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। और आपका? सर, पोस्टमार्टम तो ये लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ बॉडी उठाता हूँ। आप ऐसे जानना क्या चाहते हैं सर? हाँ, कुमार आओ। सर, प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाए हैं। थैंक यू। ओके सर, हमें देर हो रही है। हाँ, आप जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फोन करूंगा। आने के लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हे, हाय, रचना यहाँ बैठती है ना? हाँ, यही बैठती है, पर अब तक वो आई नहीं है। ओह, ओके, थैंक्स। ओके। हे रचना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो। तुम ठीक हो ना रचना? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है। कॉफी? असल में एडिटर से। हाँ, समझ गया, तुम्हें काम होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। बाय। ओके, बाय। अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर, आप बिजी हैं? जी नहीं, बताइए। सर, इस केस को हैंडल करते वक्त मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था। बैठिए। सर, मैं फिर से रिपोर्ट देख लूं। ये वाली नहीं सर, वो वाली। कौन सा? ये जी। सर, ये देखिए, यू फॉर अम्ब्रेला। इस केस में ये निशान ही सबसे अजीब चीज देखी गई है सर। नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अम्ब्रेला कट नहीं बनाता है सर, एकदम सीधा कट करता है, पर ये सीधा नहीं है सर। ये कॉमन नहीं है क्या? नहीं सर। फिर सुसाइड करने वाले कंफ्यूज होते हैं सर, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारे कि टेढ़ा कट मारे, अम्ब्रेला कट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये अबनॉर्मल है सर। इस केस में ब्लेड घुमाकर कैसे समझाऊं? यू जैसा? हाँ, यही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था सर। अच्छा सर, लगता है आप समझ गए, अब मैं चलता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये महज एक इत्तेफाक है, हमने ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट दे दिया है, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, प्लीज। थैंक यू सर। दरअसल ये अब इस केस का पीछा छोड़ दो, तुम खामखा टांग अड़ा रहे हो। तुम्हारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना इस समय नेशनल लेवल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। सर, मैं तो उसे बचाने गया था। नायक, किसी से ये मत कह देना, उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दिया है,
कि लॉयर के ऊपर बहुत सारा लोन था, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त हो जाएगा, इसलिए डर कर उससे बचने के लिए बिल्डिंग से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया है। सर अब यही बताना। सर नहीं, ये कोई सवाल नहीं। यस सर। ये क्या है? सर आपसे बताया था ना, सुंदर की मौत और यू टर्न केस में एक कॉमन बात है, मैं वही आपको दिखाना। अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम। मैंने कहा ना, सुंदर केस क्लोज हो गया है, यू टर्न केस कोई है ही नहीं। जाओ, बहुत सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हें क्लियर करो। यस सर। नायक, रचना का फोन नंबर है ना तुम्हारे पास? है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं। उसे फौरन डिलीट कर दो, जाओ। आखिर इस यू शेप का राज क्या है? लोग मर क्यों रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब की मौत हो चुकी है। आखिर कौन मार रहा है इन्हें? मुझे पता लगाना ही होगा। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। ये रख लीजिए, ले लो ना। हेलो। हेलो, हाय रचना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्यादा है। देखो रचना, मुझसे कुछ भी छुपाना मत। क्या? कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं आदित्य, तुम बेकार में इतना सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आज रात को डिनर पर चलें क्या? आदित्य मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो रचना, हेलो, इसे वो क्या कह रहे हैं? सारा दिन घर में बैठ के पब्जी खेलता रहता है, निकम्मा कहीं का मरता भी नहीं है। है, इसे जमीन पे पटक के मारो जी। सर सर प्लीज, फ्लावर पर दो और लोगों ने यूटर्न ले लिया सर, हमें उन्हें बचाना होगा। प्रभाकर से कहो इनसे बात करें। हाँ चलो। चल तो काई कराऊं तेरी, उनके साथ। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ सर? एक्चुअली मैं आरकेपुरम फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर, और तभी मैंने आदित्य, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अबे ये चिरकुट एक ब्लॉक नहीं हट रहा है तुझसे? अरे भारी है रे। अबे मेरे साथ चिप चला कर। आप यहाँ से यूटर्न नहीं ले सकते, प्लीज गो स्ट्रेट। प्लीज सिखा मत, अपन इधर से यूटर्न लेगा। तेरे को क्या? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ए ट्रैफिक वाली भाई, चल अपना काम करना। अरे मुन्ना ये ट्रैफिक वाली नहीं है। फिर कौन है भाई? एनजीओ वाले, एक्स्ट्रा चोच ले। ड्राइविंग के टाइम पे फोन पे बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का। देखिए मैं एनजीओ वगैरह से नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से यूटर्न लेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम? बात को समझिए, यहाँ से यूटर्न लेना अलाउड नहीं है, प्लीज मैं आपको ये करने नहीं दूंगी। ए, क्या मतलब? ये फ्लाईओवर तेरे बाप का है जो हमें जाने नहीं देगी? मुन्ना ज्यादा दमदाटी मत कर, डर जाएंगी। अच्छा सुन, मैं यूटर्न नहीं लेंगा, सीधा जाएगा। तू आती गया। हेलो। ए चल निकल, जाके कायदे कानून स्कूल के बच्चों को पढ़ा, यहाँ पे ज्ञान बांट रही है। ये धूप में खड़ी रहेंगी तो काली पड़ जाएंगी, घर जा। चल आंदे आंदे हवा आंदे। अच्छा फोटो हाँ खींच खींच, अपने बाप को दिखाना है, शादी करेगा तेरे साथ। अबे क्या बात कर रहा है? ये ले पोज में ले, ये ले फेसबुक पे डालना, मस्त लाइक मिलेंगे, अपन को भी टैग करना। सर किसी भी तरह उन दोनों की जान बचा लीजिए प्लीज, मैंने उन दोनों की बाइक्स की फोटो ली हुई है सर, ये देखिए। स्टॉप इट, आखिर तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस फ्लाईओवर पर से यूटर्न लेने वाले हर आदमी को एक प्लान के तहत मार दिया जाता है सर। अगर हमें ये मत बताओ तुम जासूस हो या सीआईडी,
मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इस केस से किसी भी तरह का ताल्लुक रखोगी तो जरूर फंसोगी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी सर। सर उन लड़कों की जान बचा लीजिए प्लीज सर, सर कुछ कीजिए सर, लेकिन उनकी जान बचा लीजिए। हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हमारा काम क्या है। गेट आउट। शर्म नहीं आती रखले के अपनी जिंदगी खराब करने के बजाय खुद को फांसी क्यों नहीं लगा लेते? आप साढ़े यहाँ पे अबे ये राजू क्या हो गया रे तेरे को? अबे उठना, फिर से चढ़ा लिए क्या? उठना, कहाँ फंस गए यार? सर ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर ये कौन सी जगह है? सेफ तो है ना? इसी जेल के नीचे एक बेसमेंट है, there is nothing to worry, ये यहाँ सेफ है, आज रात वो यहीं रहेंगे। कुमार सर बेसमेंट की लाइट्स ऑफ कर दो। ओके सर। उन्हें आराम से सोने दो। चाय पी लो। नहीं सर थैंक यू। अदरक वाली है पियो। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप उन्हें अपनी निगरानी में रखेंगे तो आई एम श्योर उन्हें कुछ नहीं होगा। इट्स माय ड्यूटी रचना। उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। सर उस वकील के डेथ केस में कोई प्रोग्रेस हुई? उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस पर बहुत कर्ज था और परेशान होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सर उस ब्रिज के यूटर्न का और इन सब लोगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है रचना। सर 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 कुछ गड़बड़ है सर, प्लीज अंदर चलिए। क्या हुआ रमेश? पकड़ो इसे। लाइए मुझे दे दीजिए। देखिए सर वो थोड़ी देर पहले अचानक खड़ा हो गया और तब से आगे पीछे घूमता ही जा रहा है। मुझे डर लग रहा है सर, अब हम क्या करेंगे सर? करने की कोई बात नहीं है, लाइट्स ऑन करो। हाँ हाँ कर देता हूँ। शक्ति को बुला लो। हाँ हाँ सर। शक्ति वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। ओके सर। जाओ उन्हें कंट्रोल करो। क्या हुआ रे कमीने, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मारना चाहता है मुझे। अरे आखिर मैंने क्या किया है? राजू ए राजू। सर ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? प्रभाकर जल्दी करो, सर्वेलेंस रूम में आओ। मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा।
मार डालूंगा। क्या कर रहे हो, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला? लो मुझे तो, मैं ट्राई करता हूँ। क्या हो गया सर, ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। आप रुकिए सर, मैं जाके देखता हूँ। Are you sure? हाँ सर। संभालना। रुक। प्रभाकर जाओ और उन्हें जल्दी रोको। हाँ मैं जा रहा हूँ सर, यहाँ दरवाजा नहीं खुल रहा है। हटो यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा। अगर दरवाजा नहीं खोल रहा है तो दरवाजे को तोड़ दो। दर्शना तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। क्यों नहीं आयो डर? अब तो मरेगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? तू नहीं बचेगी, तू मरेगी, मैं तुझे मार डालूंगा। जस्ट मूव। चलो चलो चलो, शक्ति गेट खोलो जल्दी। जी सर। सर ये तो लॉक है सर, और इसकी चाबी भी अलग है, हमारे पास टाइम नहीं है सर, जल्दी कीजिए। लगता है वो बेहोश हो गया है। ताले को तोड़ दो। रचना तुम सुन रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है रचना, मेरी बात का जवाब दो। हेलो सर, सर तुम ठीक तो हो ना? सर वो मुझे घूर रहा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। कौन घूर रहा है? जवाब दो रचना। सर घूर रहा तुम्हें? सर सर पीछे देखिए सर। सर सर नहीं खोल रहे, मुझे बचाओ। भागकर जल्दी करो, ताला तोड़ो। सर जल्दी कुछ कीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। सर बचाओ, जल्दी कीजिए सर, हटो जल्दी, ताला तोड़ो। सर तोड़ दीजिए सर, जल्दी जल्दी करो, तोड़िए सर, भागकर फास्ट। ओह नो, ब्लॉक सर। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कृपा कर जल्दी आओ, पकड़ो इसे, खींचो खींचो इसे, कस के पकड़ो, कस के। मुझे डर लग रहा है सर, पुलिस आना क्यों बना है? जाओ टॉर्च, टॉर्च लेकर आओ। अंदर जा। यस सर। ये लीजिए सर। कहाँ गया, कहाँ गया वो? सर नजर नहीं आ रहा सर, किधर है सर? सर ये देखिए सर, ताला खुल गया है, ताला खुल गया सर। तो खोलो ना जल्दी। हाँ सर, ओपन करो। चलो सर, सर चलेंगे अंदर। बचाइए सर, सर सर कर सर, सर सर मुझे डर लग रहा है सर। कुमार चुप हो जाओ, बाहर जाके बैठ। बचाइए प्लीज। चलो अंदर, डर लग रहा है इसे। सर 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 बचाइए सर। कुमार अपनी बकवास बंद करो। सर पहले तो कुमार को सस्पेंड करवाओ। सर बाहर आ जाइए सर, सर सर अंदर कुछ हो रहा है सर। सर बाहर उस तरफ। यस सर। सर मेरी बात मान लीजिए सर, सर बाहर आ जाइए सर, सर। प्रभाकर सर, हेल्प मी। उसके पास मत चले सर, सर सर बाहर आ जाइए सर, मेरी बात मान सर।
प्लीज डरो मत, प्लीज बचा लीजिए मुझे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना सर, जरा संभल कर। प्रभाकर सॉरी आदित्य। किस लिए? कई दिनों से मैंने तुम्हें परेशान किया। पिछले एक हफ्ते से लगता है तुम मुझे अपना नहीं समझती, और इसलिए तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वक्त पर हमेशा अपने ही काम आते हैं। और जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या, कोई पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है। ठीक है, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए मेरे पास एक तोहफा है। भूल गई? अरे तुमने आरकेपुरम फ्लाईओवर पर हुए एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी ना, ये वही है तुम्हारी स्टोरी के लिए। चलो अब तो मुस्कुरा दो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ। अरे यार, ये प्रेमा जी मुझे जब देखो काम चिपकाती रहती, मुझे जाना होगा, सॉरी, यू टेक केयर, ओके? हाँ प्रेमा जी, सिग्नल पे ही आ रहा हूँ। पॉज करो, अब दूसरा कैमरा दिखाओ। तुम्हारे सामने लड़ाई होती रही, तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए। सिर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए, वो भी पुलिस वालों के सामने। कल ही मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो होंगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी सर, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये सब करवा रही। स्टॉप इट नाउ, जो तीन लोग मरे उनमें बस दो ही कनेक्शंस है, पहले हो तुम, दूसरी तुम्हारी फ्रेंड रचना। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अब तुम तीनों पर इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, समझे? किसी की गलती नहीं है सर, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सर। जाओ। यस सर। इंक्वायरी पूरी होने तक यू आर सस्पेंडेड। रितेश? हाँ। मेरा नाम रचना है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? मैं आरकेपुरम फ्लावर पर होने वाले एक्सीडेंट्स पर एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। माया और मेरी लव मैरिज हुई थी, झरना हमारी बेटी थी, वो फर्स्ट ग्रेड में थी, मेरी वाइफ भी जॉब करती थी, हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। रोज शाम को घर लौटने के बाद मैं झरना के साथ घंटों खेला करता था, यही लाइफ थी, सब अच्छा चल रहा था, हमारी बेटी ही हम सबकी दुनिया थी। फिर वो हादसा, सब कुछ खत्म हो गया। I'm sorry, sir. उस दिन झरना का बर्थडे था, माया उसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती थी, झरना बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो 9 मार्च का दिन था। सर,
उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताएंगे? आखिर उस रात हुआ क्या था? माया, 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 help, help, help! चरना, 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 चरना! पुलिस ने रैश ड्राइविंग कहकर केस को बंद कर दिया। माया संभाल कर ड्राइव किया करती थी, मैं जानता हूं, लेकिन एक्सीडेंट की रात को एक कार फ्लाईओवर से गुजरी थी, उसी कार ने एक्सीडेंट कर दिया। ट्रैफिक कैमरा में उस कार की फोटो रिकॉर्ड भी हुई थी, पर पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरी फैमिली खो दी। I'm really sorry, sir. मुझे आपको ये सब याद नहीं दिलाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे केस तो चल ही रहा है, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डोंट फील बैड, ये सब तो होता रहता है। कल रात वहाँ ऐसा क्या हुआ सर? रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ली थी, हो सकता है उसी का असर हो। सर, आज मैं रितेश नाम के एक आदमी से मिली थी, फ्लाईओवर पर हुए एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी। ये फ्लाईओवर तुम्हारे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। एक मिनट, ये देखिए सर, रितेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे सर। वो यहाँ अकेला रहता है सर, उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। रचना, बस अब बहुत हो गया, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती हो। सर, ये मौतें आपस में जुड़ी हैं, आप भी जानते हैं। सुंदर की मौत, वकील की मौत और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक की सुई सिर्फ और सिर्फ तुम पर जा रही है, पता है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ सर। ये मैं जानता हूँ, पर बाकी तो नहीं जानते ना। तुम फंस जाओगी, सालों तक पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर काटोगी, फाइनली वो तुम्हें ही कातिल ठहराएंगे। सर, उस फ्लाईओवर पर जो भी यू टर्न ले रहा है वही मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए? रचना, मैंने बहुत सी मौतें देखी, बाद में कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी यही मानकर चलना चाहिए। हेलो प्रभाकर, कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकते हैं। अब मैंने ये केस छोड़ दिया है, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा।
सर ये यू टर्न केस की पूरी फाइल है। थैंक यू प्रभाकर। सर मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलो तुम्हें तो यकीन है। माँ सब ठीक है। शादी के लिए लड़का मिला या अभी तक ढूंढ ही रही है? फिर से ड्रामा शुरू मत करो माँ। खाना खाया? बस अब तेरी बारात में ही जी भर के खाऊंगी। पापा कैसे हैं? यही पड़े खर्राटे ले लेके नाक में दम कर दिया है। ठीक से बात करो ना माँ, नहीं तो मैं फोन रख दूंगी। प्लीज पापा ठीक है, मैं ठीक हूँ, तेरा डॉगी भी ठीक है। और कुछ पूछना है? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन कुछ गड़बड़ है क्या? क्या हुआ बेटा? हेलो अर्जुन बेटा जवाब दे। माँ मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है इसलिए कॉल किया। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर ले। शादी कर लेगी तो ना अकेली रहेगी ना डर लगेगा। पर तुझे मेरी बात सुननी कहाँ है? कहाँ है तू इस वक्त? माँ ऑफिस में एक लड़का है जो। अरे वाह, मैं कल ही आती हूँ उससे मिलने के लिए। उसके माँ बाप का नंबर भेज, मैं कल ही उनसे बात करूँगी। माँ माँ अभी बात वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो कहाँ तक पहुँची? मैं उसे पसंद करती हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। चल मैं बताना क्या बात हुई। तू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुझे कौन मना करने वाला है? दिया लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी तुझ जैसी लड़की। माँ माँ बस करो, ये डायलॉग्स मारने बंद करो, मैं फोन रखती हूँ। बाय। Love
झरना खा लो बेटा। नहीं मम्मी प्लीज। नहीं मुझे खाना नहीं खाना। खा लो, कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है, लो खा लो। मुझे एप्पल नहीं चाहिए मम्मी, मुझे ऑरेंज चाहिए। बेटा अब ऑरेंजेस कहाँ से लाऊंगी? नहीं खाना है। एक टुकड़ा खा लो बस। नहीं मम्मी प्लीज। मेरा बच्चा ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, खा लो। मम्मी मान जाओ ना, मुझे नहीं खाना है। वो जिद नहीं करते। नहीं माँ प्लीज। देखो झरना, नहीं खाओगी तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। चुपचाप खा लो। माँ मेरे लिए बलून लाई हो ना? हाँ हाँ, यहीं कहीं पर रखा होगा। जाओ जाके ढूंढ लो। हाँ जल्दी आना, लौट कर खाना है और गिरना मत। ओके माँ। तो मेरी बेटी की मौत की वजह तुम हो? नहीं। आज रात उस फ्लाईओवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाए हैं वो तुम हो, मैंने तुम्हें देखा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस दिन तुम ब्लॉक्स हटा रही थी अपनी जल्दबाजी में। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि किसी की जान को खतरा हो सकता है। तुमने ही मेरी झरना का कत्ल किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? नहीं मैंने नहीं मारा। तुम झूठ मत बोलो। हाँ मैंने वो ब्लॉक्स हटाए थे ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के दिन वो डिवाइडर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे। मैं सच कह रही हूँ। मैंने जिससे भी ये पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए। पर उस रात को मैं और झरना उस फ्लाईओवर पर आराम से जा रहे थे। झरना तुम्हें नींद तो नहीं आ रही ना बेटा? नहीं मम्मी नहीं आ रही है। तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने नहीं हटाया। और उसके बाद जब होश आया तो मैं एम्बुलेंस में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद अगर इन्हें लाया गया होता तो अच्छा होता, काफी खून बह गया है। इनके साथ एक बच्ची भी थी ना? बेचारी बच्ची तो हादसे के वक्त ही मर गई। अरे रे बहुत बुरा हुआ।
उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया क्या? हाँ भेज दिया। चल चल मम्मी बाय। जाने दो झरना। मम्मी आजा मेरी गुड़िया। सिर्फ 5 साल की थी मेरी बच्ची, ये भी नहीं जानती थी कि मौत क्या होती है। और पता है उसी दिन उसका बर्थडे भी था, वो दिन उसका आखिरी दिन बन गया। क्या आप रो रही हो मम्मी? हे मम्मी को क्यों रुला रही हो? नहीं नहीं आंटी ने कुछ नहीं किया, मम्मी की आंखों में कुछ चला गया था इसलिए। मम्मी आप मुझे कहानी सुनाओगे ना? तुम जाकर बेड पर लेटो, मैं अभी आती हूँ, फिर तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। ठीक है माँ। गुड नाइट झरना। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं सच के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये पता कर लूंगी कि उस दिन किसने डिवाइडर ब्लॉक्स हटाए थे और किसने ये उठा लिया था। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी उस आदमी का नाम, मैं जरूर बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मेरी बात का यकीन करो। एक दिन मैंने देखा कि रोड ब्लॉक हटे हुए हैं, तो मैंने उन्हें ठीक कर दिया था। मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, सच कह रही हूँ। चलो मान लिया, ठीक है, तुम्हें एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बेटी को मारा है। अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहे, आप सॉरी नो इश्यूज। एक्सेल के हिसाब से हेलो आदित्य। देखो मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। आदित्य मेरी मेरी समझने की कोशिश करो, मैं मीटिंग में हूँ। ओके तुम्हें एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बेटी को मारा है। मैंने उसे देखा है। रचना, वो मेरे हाथ की नस काटना चाहती थी, बिलीव मी। बहुत हुआ रचना, ये तुम्हारा वहम है, मेरी मानो तो उसके बारे में सोचना बंद करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 सर, जिसने उस दिन ब्लॉक हटाया था उसे ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रचना समझने की कोशिश करो। सर अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मदद कर लूंगी। तुमने कुछ खाया? रचना तुम खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप ये सब नहीं करते सर। तुम्हारी डायरी में जो 10 नाम थे उनके फोटोज और डिटेल्स मैंने चेक की, इन सब में एक कॉमन बात है,
हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है। सुंदर, श्रीनिवासन और वो दोनों लड़के जो बेसमेंट में मरे थे, जरा ये देखो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। रचना, तुमने हाल ही में कहीं यू साइन देखा है? ना, कुछ याद नहीं आ रहा सर। सोचो, याद करने की कोशिश करो, किसी तरह का पैटर्न या ऑब्जेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ। मैंने ऐसी किसी चीज का ध्यान नहीं दिया सर। ठीक है, चलो चलते हैं। हाय मलिक। ओ हेलो सर, आप यहाँ? कोई जरूरी काम? हाँ, वो 9 मार्च को आरके पुरम फ्लाईओवर पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फुटेज देखनी है। यस सर, जस्ट ए मिनट। सर यहाँ तो कुछ नहीं है। आप उस माँ बेटी वाले एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रहे? हाँ सर, बच्ची फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिरकर मर गई थी, ये वही केस है। सॉरी सर, तब तक उस फ्लाईओवर पर कोई कैमरा नहीं था। कैमरा नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता? वहाँ पर कैमरे एक्सीडेंट के बाद ही लगाए गए। सर वो एक्सीडेंट डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाने की वजह से ही तो हुआ था, जिसने वो किया उसे ही ढूंढना है। मैडम जब वहाँ कैमरा था ही नहीं तो खोजेंगे कैसे? फ्लाईओवर के शुरू और आखिर में कैमरा है ना? यस सर, वो है। मुझे उनकी फुटेज दिखाओ। ये ट्रैफिक फुटेज 9 मार्च का है। उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाईओवर से गई या नहीं। वही तो पता लगाना है सर। अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाईओवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंत लौटता है तो मतलब उसने यू टर्न लिया है, करेक्ट? यस सर, ऐसा होना पॉसिबल है। सुपर। फ्लाईओवर पर चढ़ के वापस लौटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है। तो सबसे पहले लौटने वाले ने वो ब्लॉक्स जरूर हटाए होंगे, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा। फ्लाईओवर की एंट्री की फुटेज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं। मलिक, कैन आई सी द फुटेज? जी हाँ, मैं दिखाता हूँ। सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्रैफिक है जो फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा है, और इस तरफ फ्लाईओवर से उतरने वाला ट्रैफिक है। पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटाकर यू टर्न लिया होगा, वो स्क्रीन के दोनों तरफ दिखाई देगा। बहुत अच्छे मलिक। सर प्लीज फुटेज प्ले करो। आप इसे ध्यान से देखिएगा, अगर कोई शक हो तो बताइएगा। सर 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 सर, वो रेड जैकेट। थोड़ा सा रिमाइंड करना। रोको मालिक। देखकर तो वही लग रहा है सर, इसने पूरा फ्लाईओवर क्रॉस नहीं किया, बीच से ही यू टर्न लेकर लौट आया। मलिक, उस गाड़ी का नंबर निकालो, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखिए। नंबर प्लेट गाड़ी के पीछे है, उसे जूम।
हेलो रमेश। नहीं मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? एक मिनट, रचना तुम्हें बोल रही हो ना? तुम्हें मेरे भाई का नंबर कहाँ से मिला? और तुम उससे क्या बात करना चाहती हो? हेलो हेलो रचना, हेलो ये तुम्हारे भाई का नंबर है? हाँ, 2 साल पहले वो US शिफ्ट हो गया। बैंक्स के OTP इसी नंबर पर आते हैं, इसलिए चेंज नहीं किया। पर तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? रचना, हेलो। और वैसे भी ये मेरे भाई की बाइक है। मैं तो रोज आरकेपुरम फ्लाईओवर से ही जाता हूँ। मलिक सर, क्या बात है? आपको कुछ दिखाना है। क्या है? एनी प्रॉब्लम? मेरे साथ आइए। रचना, हर बात की हद होती है। आखिर हुआ क्या है बताओ? तुम कहाँ हो? तुमने उसे मार दिया। क्या? तुमने ही उस आर के पुरम फ्लावर से ब्लॉक हटा के यूटर लिया था। वो बच्ची तुम्हारी वजह से मर गई। तुमने उसे मार दिया। अरे कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बच्ची, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुमने लाल जैकेट में अपने भाई की बाइक से फ्लावर क्रॉस किया था। मैंने ट्रैफिक कैमरा में देखा है, वो तुम हो। मैंने कभी सोचा नहीं था आदित्य, मैंने नहीं सोचा। रचना, मैं सालों से उस फ्लाईओवर से आता जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया। सर, इस गाड़ी को ध्यान से देखिए। हाँ, इसने लाल जैकेट पहनी। और कुछ ही देर बाद ऑपोजिट लेन से लौटने वाली गाड़ी को देखिए। देखा आपने? डिवाइडर को हटाते वक्त तुमने मेरी शक्ल देखी क्या वहाँ पर? नहीं देखा। लेकिन तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने ही किया है? वो रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से। ऊपर चढ़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है। उस दिन भाई की बाइक को सर्विसिंग के लिए देना था। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं गैराज नहीं जा पाया। मैंने बाइक को पिक करने के लिए मैकेनिक को फ्लाईओवर पर ही बुला लिया। जब फ्लाईओवर के दूसरे साइड की फुटेज देखी तब मैंने नोटिस किया। सर, सेम व्हीकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। अरे इंजन में से बहुत आवाज आ रही है, अच्छे से चेक करना, खर्चा व्हाट्सएप करना। उसके बाद हमने बाइक की अदला बदली कर ली। मैंने उसकी बाइक ले ली और वो मेरे भाई की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। बस इतना ही हुआ था। तो तुमने डिवाइडर ब्लॉक्स नहीं हटाए थे ना? क्यों हटाऊंगा? मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हूँ रचना, मैं यूटर्न नहीं लेता। तो मैं एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बेटी को मारा है। सर सर सर, वो लाल जैकेट। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया? रचना तुम सुन रही हो? हेलो हेलो आदित्य, तुम कहाँ हो? मैं तो अपने घर पर हूँ। क्यों? एक मिनट जरा होल्ड करना, कोई आया है। आदित्य आदित्य प्लीज मत खोलो, दरवाजा मत खोलो। आदित्य कौन है? मैंने जो एड्रेस दिया है वो गलत है, उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटाए। सर मैं जानती हूँ कि ये आदमी वो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ओह माय गॉड। सर सर मुझे आपकी मदद चाहिए। रचना क्या हुआ, बात क्या है? सर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त की जिंदगी खतरे में है सर, वो उसे मार देगी सर, आप मेरी मदद कीजिए सर। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। आगे से लेफ्ट ले लो। आ,
रितेश? यस। कौन है? अरे हमें लेफ्ट जाना है। हेलो, कौन है घर में? जवाब दो। रचना, रितेश मेरे साथ है, मैं वहीं आ रहा हूँ। बाय। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है? जिस दिन तुम्हारी वाइफ और बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन किसी ने फ्लाईओवर पर डिवाइडर खिसका दिए थे। आपके कहने का क्या मतलब है सर? क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने ब्लॉक्स खिसकाए थे उसने वापस नहीं लगाए, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हमारा मानना है रितेश। हाँ हेलो, बोलो मलिक। सर, जिस गाड़ी ने यूटर्न लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है। पक्का भैया ना? यस सर, 100%। उसका नाम और एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करो। यस सर, भेजता हूँ। रितेश, मैंने तुम्हारी बीवी और बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था। मैं अपनी झरना की मौत का बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने इन लोगों को भी मारा, मैं तुझे भी मार डालूंगी। चुप रहो रचना। वो यही है, जल्दी निकलिए सर। क्या कह रही हो? वो यही है सर। संभल कर रितेश, आराम से। आदित्य, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा। रितेश, रितेश। झरना, 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 मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान मैं था। तू कहीं नहीं गई थी, आप छोड़कर चले गए थे। मैं कहीं नहीं गया था बेटी, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम आ गई हो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मम्मी कहाँ है? क्या कर रहे हो और उसकी जान क्यों बचाई? माया, तुम कैसी हो माया? वो झरना की मौत का जिम्मेदार है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आराम से, आदित्य यहाँ बैठो। रचना, तुम आदित्य को संभालो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। आदित्य, आदित्य मुझसे बात करो, आदित्य मुझसे बात करो। माया, एक्सीडेंट वाले दिन मैं घर लौट रहा था। हेलो, हैप्पी बर्थडे गुड़िया। आप कहाँ है? आप घर क्यों नहीं आए पापा? बस रास्ते में हूँ बेटा, यहाँ पानी बहुत बरस रहा है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हो ना? अरे रे रे, वो तो भूल ही गया, फोन मम्मी को तो जरा। मम्मी, पापा,
कहाँ हो तुम? माया, झरना का गिफ्ट मैं ऑफिस में भूल गया हूँ। तुम बाकी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है, घर जल्दी आना। I'm sorry, माया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। आराम से, आराम से। Oh my God, अदिता गहरी सांस। वो ब्लॉक्स हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि रितेश ही था। माया, I'm really very sorry, माया। मत छू मुझे। माया, माया, दूर हटो मुझसे। तुमने मेरी झरना को मारा। माया, मेरी सारी दुनिया, मेरे सपने, सब के सब मेरी झरना के साथ जुड़े हुए थे। तुमने सारे तोड़ दिए। माया, तुम झरना की खूनी हो। झरना, पिता, प्लीज पापा को मत मारो। I'm sorry बेटा, I'm sorry। पापा ने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं करूंगी बेटा। हाँ, तुम रो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें जिसमें खुशी मिले मैं वही करूंगी बेटा। हाँ, नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं करूंगी। नितेश, नितेश, don't do it. मेरी बात मानो नितेश, रुक जाओ। नितेश, बहुत याद करती है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो मर चुकी है। डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ की रट लगाए रहती है और मैं बहाने बनाती रहती हूँ। अब मैं उसे क्या बताऊँ कि उसकी मौत की वजह उसके डैडी ही है। तुम इस दर्द के साथ जिंदा रहो, यही तुम्हारी सजा है। मुझे छोड़कर मत जाओ माया, 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 मत जाओ माया, प्लीज, प्लीज माया, मत छोड़ के जाओ मुझे माया, 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 चलना, 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 डैडी को छोड़कर मत जाओ, चलना, चलना, तुम तो रुक जाओ, चलना। मम्मी पापा हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? डैडी को बहुत सारा काम है बेटा, वो बाद में आएंगे।